आप आ गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग, दिस इज कुकरेजा। आज जा रहे हैं फरीदकोट, इसका थोड़ा सा काम होने वाला है बाइक का, जैसे कि इसका होने वाला एयर फिल्टर बॉक्स डलेगा, चैनसा डलवाएंगे और इसमें डलवाएंगे क्लच प्लेट्स विद इंजन ऑयल मॉड्यूल का डलवाएंगे इसके अंदर, और बस थोड़ा सा और बाकी और तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी मीटर सेल में दिक्कत थी, मीटर सेल मैंने ऑर्डर कर दी है, वो नया आ जाएगा और वो डलवा देंगे इसमें। चलो अब आपको मिलते हैं मोटो ब्लॉक सेटअप पे। Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After फरीदकोट, आपको मैंने बताया ही होगा पहले कि इसका थोड़ा काम करवाना है, इंजन का तो हेडजन डलवाना खाली, और इसका काम करवाना है। मैं किसी को भी बाहर रिकमेंड नहीं करूँगा कि बाहर से कोई काम करवाए, सीधा एजेंसी से ही काम करवाए। और मैं बठिंडा में रहता हूँ, बठिंडा से फरीदकोट है 58 किलोमीटर। अभी मैं जा रहा हूँ, सुबह के बजे हैं 7:22। चलो जी चलते हैं। चले वो लिखा आई लव फरीदकोट। लो जी फरीदकोट आ चुके हैं, चलो जी चलते हैं। एक ये मेरा ABS का लाइट आ रहा है और ये एरर मार रहा है, इसको भी चेक करवाएंगे। Thank you.
राजगढ़ जोन में है। ये अपन आ चुके हैं केटीएम के शोरूम। अभी फिलहाल क्लोज है और अपन पहले ही आ चुके हैं। लगाते हैं चलो अपनी ये लो जी, आप पहुंच गए हैं फरीदकोट केटीएम। ये अभी चौथा दिन है जो मैं अपनी बाइक लेने आया हूँ यहाँ से कम 2 दिन का प्रोसीजर था। मैं मंडे को यहाँ बाइक छोड़ के गया था। मंडे को कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मंडे काम नहीं हो पाया और उन्होंने ट्यूसडे को काम शुरू किया बाइक का अपने का। और वो अभी बाइक खड़ी है ऊपर थर्ड फ्लोर पे इनका अपना केटीएम वालों का सर्विस सेंटर है। वहाँ पे मतलब कि क्या कहते हैं अपना जो भी बाइक में इश्यू होता है वहीं पर रिपेयर करते हैं। सेंटर जो है शोरूम नीचे है जहाँ पे बाइक्स वगैरह मिलती हैं। सर्विसिंग और अलग वाला सिस्टम जो है वो ऊपर होता है थर्ड फ्लोर में। वो भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ ऊपर अपनी बाइक खड़ी है। अभी वहाँ से नीचे लिफ्ट में लेके आएंगे उस बाइक को। वहाँ पे पीछे लिफ्ट लगा हुआ है। वहाँ पे ये शोरूम खुल चुका है। ये खड़ी है अपनी RC 200 BS एक्सपीरियंट। बहुत ही गजब लुक आ रही है भाई इसका। वो भी लाइटनिंग वगैरह चल गई है। ये ड्यूक 200 BS6। ये भी RC ली भाई, क्या बात है। RC 390 ब्लू कलर भाई। कुछ जब RC मैंने ली थी उससे पहले मेरा मूड बन रहा था कि ये वाली बाइक निकलवा लें, बट लोन की वजह से थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता। ढाई तीन साल तक क्या पता जिंदा रहे ना रहे। इसके कलर जो है ना बहुत ही अल्टीमेट कलर है। पहले वाले से और सीट भी थोड़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। मैं फरीदकोट में हूँ। ये अपने भाई साहब है जो जा रहे हैं बठिंडा लेके बाइक्स ड्यूक 200 और RC 200। इनसे बठिंडा मुलाकात कराएंगे आप जी। ये आ चुके अपनी RC 390। नीचे सर्विसिंग होने के बाद वो जो है सरदार जी अपने लखा सिंह जी, उन्होंने अपनी बाइक का काम किया है। ये अपने लखा सिंह जी है जिन्होंने मेरी बाइक की सर्विस वगैरह और जो इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज़्यादा, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से रिपेयर किया है। अब ये बताएंगे, एयर फिल्टर बॉक्स डैमेज था और एयर फिल्टर बार को निकाल के रखा, उसकी वजह से जो डस्ट एंटर होता और जो इसमें मिसिंग की दिक्कत थी। और सबसे बड़ी उसमें था कि अपना जो थ्रोटल बॉडी होता ना उसमें बहुत ज़्यादा कचरा जमा होता, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा अपना क्या नाम मिसिंग मारता था, बहुत ज़्यादा बाइक मिसिंग कर रहा था। और वह अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब आपको लोग में दिखाया करेंगे कि कितनी टॉप स्पीड अचीव करती है बाइक अपनी। चलो ठीक है जी। अगर आपको फरीदकोट में आपके पास किसी के पास भी KTM बाइक है तो आप कॉन्टेक्ट करिए लखा जी से। आप इनका मैं मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप कॉल करके इनके पास आ सकते हो। पर जो चार्जेस है वो कंपनी वाले लगेंगे, बाहर वाले चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है जी। यहीं पकड़ते हैं व्लॉग को एंड। कुछ कह रहे थे? ठीक है जी।